बढ़ रही है और अब यहाँ पुलिस का जो पूरा अमला है वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। महिला कर्मियों को आगे लाया गया है और महिला कर्मियों के जरिए वृंदा करात को रोकने की कोशिश की जा रही है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे या यहाँ बैठेंगे? About 500 meters. Yes, it from this place. You are already 100 meters closer. Anyway, let us go for a few meters more and we'll stop and sit on the road. और एलजी यहाँ रोक रहा है। एलजी मोदी सरकार की बुलडोजर पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए ये सब करवा रहा है। मैंने इनसे ये बात की है कि थोड़ी दूर जाकर जहाँ वो बैरिकेड है हम लोग वहाँ जाके बैठ जाएंगे, सड़क पर बैठ जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाएंगे। और इसीलिए हम पुलिस को यही अपील कर रहे हैं, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन नागरिकों का है, थोड़ी दूर जाके हम लोग वहाँ बैठ जाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ सिटीजन मार्च निकाला जा रहा है कश्मीरी गेट से एलजी हाउस तक के लिए। वामपंथी दलों ने एक बड़ी कॉल दी है जिसमें तमाम छात्र संगठन भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त के बड़ी संख्या में ये पूरा काफिला बढ़ रहा है एलजी हाउस की तरफ और कहा जा रहा है कि ये राजनीति जो बुलडोजर की राजनीति है उसको नहीं करने देंगे, उसको नहीं चलने देंगे। इस राजनीति के खिलाफ अब लोग सड़क पर उतर चुके हैं और कह रहे हैं कि सड़क पर उतर कर ही इसका हल निकाला जाएगा। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो इनके साथ मौजूद हैं। कल शाहीन बाग हो या तैमूर नगर या जहांगीरपुरी, उन तमाम जगहों पर जो बुलडोजर पहुंचा है और जिस तरह से एक भय फैलाने की कोशिश हुई है उसके खिलाफ अब प्रदर्शन जारी है। लोग सड़क पर उतर रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बड़ी संख्या में इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। यहाँ जो तमाम छात्र संगठन हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे क्योंकि आज बीजेपी गवर्नमेंट मुस्लिमों के घर में बुलडोजर चला रहा है, तो ये देखिए हम चुप रहेंगे क्या? क्या सड़क पर उतरने से इसका हल निकल पाएगा? सड़क से उतरने से पीपल को पता तो चलेगा कैसे कुछ हो रहा है। सड़क पे अभी जैसा माहौल पूरा देश में है तो उसका एकमात्र हल सड़क पे उतरना है, क्योंकि हमारे हाथ में ना सरकार है ना पुलिस है, सारे उनकी पुलिस, उनकी सरकार, उनके रिसोर्स, उनके सब कुछ। तो आज जिस तरीके से देश के हर कोने में, हर दिल्ली के हर कोने में किस तरीके से बुलडोजर चलाई जा रही, चाहे वो शाहीन बाग हो चाहे जहांगीरपुरी हो, देश की माइनॉरिटी दलित और महिला पर किस तरीके से लगातार अटैक कर रहे हैं उसके खिलाफ आज हम सड़क पे उतरे और हम समझते हैं कि आंदोलन खड़ा करना और सड़क पे उतरना एकमात्र तरीका है। तो आंदोलन का जो रास्ता है वो अपनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। मैम सड़क पर क्यों उतरे हैं आज? हम ये हल्ला बोल का नारा लेके सड़क पर उतरे हैं। अगेन व्हाट दे आर डूइंग नाउ, दे आर ट्राइंग टू डिवाइड द नेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, हाउ दे आर ट्राइंग टू अटैक द माइनॉरिटी। आपको ऐसा लगता है कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? मुझे बिल्कुल लगता है कि वो एक कम्युनिटी को अटैक कर रहे हैं। क्योंकि उनका जो हिंदुत्व कॉन्सेप्ट है जो वो इस देश में लाना चाहते हैं, उनको मालूम भी है कि ये देश वो है जो डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करता है, जो उस आज़ादी को सेलिब्रेट करता है जिसमें कहा गया था कि हर रिलीजन के, हर कास्ट के, हर इंसान को इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाएगा। बट विच वी कैन सी दैट हाउ द ट्राइंग टू डिवाइड द नेशन एंड द कम्युनिटी। तो यहाँ जो छात्र हैं, जो छात्र संगठन है, उसके अलावा जो वामपंथी दल हैं, वो सीधे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको टारगेट किया जा रहा है। मैं आगे बढ़ के आपको तस्वीरें दिखाता हूं जहां बैरिकेटिंग पुलिस ने कर दी है और अब हम लोग जाने की कोशिश करते हैं आगे और आपको दिखाएंगे। एक सेकंड जरा सा रास्ता दे दीजिए, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो दिल्ली पुलिस है उसने चेन बना दी है महिला सुरक्षा कर्मियों की। महिला कर्मी है दिल्ली पुलिस की, उनकी एक चेन सबसे पहले बनाई गई है, उसको दिखाऊं आपको। उसके बाद यहां से कुछ कदम की दूरी पर जो बैरिकेटिंग है, फर्स्ट लेयर बैरिकेटिंग आप कह सकते हैं, उसको लगाया गया है जहां सीआरपीएफ के जवान और अर्धसैनिक बलों की तैनाती है। उसके पहले ही जो महिला कर्मी है, पुलिस कर्मी, उनको लगाया गया है और उन्हीं के साथ साथ यहां से अगर आप तस्वीरें देखना शुरू करेंगे तो यहां से जिस तरह से जो अर्धसैनिक बल है उनको लगाकर यहां प्रदर्शनकारियों को रोका गया है और उसी के साथ एक नोटिस भी है, यहां सूचना भी दी जा रही है, चेतावनी, धारा 144 लागू है,
और सीआरपीसी की धारा 144 लागू है, यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। यहीं से चार कदम दूर प्रदर्शनकारी, उसी के साथ एसएचओ यहाँ और उसके साथ डीसीपी खुद मौजूद है। मैं अनाउंसमेंट सुना दूँ, आप लोग यहाँ से आगे जाने की कोशिश ना करें, आगे फोर्स खड़ी हुई है, कोई भी आदमी यहाँ से आगे नहीं जाएगा। नहीं जाने दे रहे, ये हालत है। इसमें डीसीपी सागर कलसी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, डीसीपी सागर कलसी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कानूनी है, कृपया यहाँ से तीतर बीतर हो जाइए, कृपया यहाँ से तीतर बीतर हो जाइए, आपको अनुरोध किया जा रहा है, आप कृपया यहाँ से तीतर बीतर हो जाए। देखिए लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है डीसीपी सागर कलसी के जरिए, और कहा जा रहा है कि ये मजमा गैर कानूनी है, पहुंच चुकी है यहाँ पर। मैडम जब इन्होंने जो उस पर लिखा भी था ना वो भी, यस मैम, मैम नहीं नहीं मैम, द रूट दैट मैम दैट रूट दैट यू हैव इवन पुट इन योर पोस्टर्स दैट आल्सो फिनिश्ड लाइक 100 मीटर्स अभी यहाँ से, ये तो बहुत आगे आ गए मैम, वो गलत जगह ही गलत आगे, असेंबली तो बहुत आगे, यू आर वेरी अबाउट 500 मीटर्स, यस इट फ्रॉम दिस प्लेस यू आर ऑलरेडी 100 मीटर क्लोजर, एनीवे लेट अस गो फॉर अ फ्यू मीटर्स मोर एंड स्टॉप एंड सिट ऑन द ग्राउंड। क्योंकि डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट इज परमिटेड बट नॉट विद परमिशन। डियर फ्रेंड्स, मैंने इनसे ये बात की है कि थोड़ी दूर जाकर जहां वो बैरिकेड है हम लोग वहां जाके बैठ जाएंगे, सड़क पर बैठ जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाएंगे, और इसीलिए हम पुलिस को यही अपील कर रहे हैं, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन नागरिकों का है, थोड़ी दूर जाके हम लोग वहाँ बैठ जाएंगे। मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा एक बारी मेरी बात को सुन ले, यू आर ऑलरेडी वेरी क्लोज टू द लास्ट बैरिकेड, वी कैन नॉट अलाउ टू गो बियॉन्ड दिस पॉइंट, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू मैम प्लीज। वृंदा करात आगे बढ़ रही है।